नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फोर मीडिया का खास कार्यक्रम किताबों का आनंद। और आज हमारे इस कार्यक्रम की मेहमान है वरिष्ठ पत्रकार और लेखिका जयंती रंगनाथन जी। जयंती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन होने के लिए। जी मैम, आज आपका ये जो उपन्यास है शेडो, इस पर हमने चर्चा करने के लिए आपको आमंत्रित किया है। बिल्कुल और बहुत ही बेहतरीन थ्रिलिंग उपन्यास ही आपने लिखा है, तो इस पर हम चर्चा करें। उसके पहले मैं हमारे दर्शकों के लिए आपकी जो एक आपकी जर्नी रही, आपके बचपन के बारे में, आपकी स्कूलिंग के बारे में, आपकी अपब्रिंगिंग के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, जैसा मेरे नाम से बहुत स्पष्ट है कि मैं एक दक्षिण भारतीय हूँ, जयंती रंगनाथन, लेकिन पली बड़ी मैं भिलाई में हूँ। मेरे फादर, मेरे अप्पा भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे, तो जी शायद इस वजह से मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि वो बहुत एक कॉस्मोपॉलिटन सा प्यारा सा कस्बा है। और देखिए, हिंदी पढ़ने और लिखने का शौक तो था, हम सबको था, हम हिंदी भी पढ़ते थे, इंग्लिश भी पढ़ते थे बचपन में, पर जब लिखना शुरू किया मैंने बचपन में कहानियां वगैरह, तो मैंने हिंदी अपनी भाषा चुन ली। मुझे बहुत मजा आने लगा, मुझे लगने लगा कि इस भाषा में मैं अपने आप को बहुत अच्छे से अभिव्यक्त कर पा रही हूँ। तो जी इस तरह से मैं कहानी वहानी लिखती थी, जो उस वक्त की जो बच्चों की पत्रिकाएं थी, नंदन, पराग, चंपक, चंदा मामा, इन सब में छपा करती थी। तो एक थ्रिल था, थोड़े पैसे भी आ जाते थे। बिल्कुल कभी कभी सोचा नहीं था कि लेखन जो है वो एक करियर भी हो सकता है। तो उसके बाद मैं एमकॉम करने के लिए जो है बॉम्बे गई। एमकॉम करने के बाद जो है बैंक में नौकरी करने लगी, क्योंकि भाई मकाम तो वही था, पढ़ उसी लिए रही थी। लेकिन तब जो है मेरे सामने एक दिन अखबार में एक विज्ञापन मुझे नजर आया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से था, जिनको ट्रेनी जर्नलिस्ट की जरूरत थी। जी तो मैं और मेरा भाई जो है, हम दोनों उस खबर पे अटक गए। और उसने कहा कि भाई इसमें तो जो भी उन्होंने जो कुछ मांगा है वो सब तुम्हारे पास है, तुम्हें शौक है लिखने का, क्यों तुम अप्लाई नहीं करती। तो मैंने अप्लाई कर दिया, रिटर्न टेस्ट और जो है इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। और उस वक्त धर्मयुग के जो संपादक थे धर्मवीर भारती थे, और हम लोग जो है धर्मयुग को बड़ी शिद्दत से पढ़ा करते थे। घर में जो पत्रिकाएं नियमित आती थी उनमें धर्मयुग बिल्कुल आया करती थी, धर्मयुग भी, रीडर्स डाइजेस्ट भी, इलस्ट्रेटेड वीकली भी। जी तो हमें लगता था कि भाई हिंदी का मक्का मदीना है, और वहां नौकरी वो भी भारती जी के साथ, वो एक तरह से क्या कहूँ, एक सपने का सच हो जाना जैसा था बिल्कुल। तो तुरंत मैंने 2 पल भी नहीं लगाए तय करने में कि बैंक की नौकरी को छोड़ के मुझे जो है एक मीडिया कर्मी बनना है। बिल्कुल इस तरह से सफर शुरू हुआ। और आज जब इतने लंबे सफर के बाद पीछे मुड़ के देखती हूँ, धर्मयुग के बाद मैंने सोनी टेलीविजन में बतौर राइटर और आइडिएशन मैनेजर काम किया था। फिर मैं वनिता पत्रिका की संपादक बन के दिल्ली आई, फिर अमर उजाला, और अब मैं हिंदुस्तान में एग्जीक्यूटिव एडिटर हूँ। पीछे मुड़ के देखती हूँ तो सफर मुझे इतना अच्छा लगता है, और मैं अपने आप को रोज ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैंने जो है पत्रकारिता या मीडिया की नौकरी जो है चुनी, जिसमें मुझे वो काम करने का मौका मिलता है जो मुझे बहुत पसंद, जी वाकई बोलना, में लिखना, बहुत मिलना। जी नहीं वाकई में बहुत कम खुशनसीब लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन का कर पाते हैं। मतलब कई लोग आपको मिलते हैं जो शायद आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि मैं शायद उस समय वो निर्णय ले लेता तो ये कर लेता। एटलीस्ट आपने एक अच्छे टाइम पे निर्णय लिया और आज बिल्कुल आप वाकई में बहुत अच्छी लेखिका हैं। 20 साल की थी, तो मैं कह रही हूँ ना, तो इसीलिए मैं आज भी उस 20 साल की लड़की का शुक्रिया अदा करती हूँ कि भाई तुमने सही निर्णय लिया। जी बिल्कुल, हमारे पूर्वज भी कह गए हैं भैया, सही समय पे सही निर्णय ले लो तो आने वाले जीवन में कठिनाइयां जो हैं वो वैसे ही कम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये तो रहा आपका मीडिया में आने का सफर। अब आपके उपन्यास पे आते हैं। ये एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि एक रोमांचित करने वाला उपन्यास है। इसमें आपने जो भूत, प्रेत, रूह, इन सब जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप हमारे दर्शकों के लिए ये बताइए कि इस उपन्यास को लिखने का आइडिया कहाँ आया? जी देखिए, मैं जो है हर बार अलग विषयों पे लिखती हूँ। तो मैं इससे पहले रूह की प्यास वाणी प्रकाशन के लिए लिख चुकी थी, जिसमें 6 लस्टी हॉरर स्टोरीज थी। बिल्कुल लिख के मुझे जी बहुत मजा आया। तो ये मुझे लगता है पेंडेमिक के दौरान की बात रही होगी। हिंदी उद्गम के जो संपादक और जो निदेशक है शैलेश जी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे लिए एक हॉरर नॉवल आप हमारे लिए एक हॉरर नॉवल क्यों नहीं लिखते। तो मैंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया, फिर मैंने सोचना शुरू किया। देखिए हॉरर जो है, रोमांच मेरा बहुत पसंदीदा जॉनर है। जब
हॉरर पे सोचने लगी तो इधर से उधर उड़ते हुए आप क्या कहेंगे, भूत प्रेत, थोड़े से क्या अविश्वसनीय किरदार, ये सब मुझे जम नहीं रहा था बिल्कुल। तो मेरा भाई दुबई में रहता है रवि, जो लगातार हम बात करते रहते हैं, वो मेरा लिखा हर चीज पढ़ता है, क्योंकि भिलाई का है तो उसकी भी हिंदी बहुत अच्छी है बिल्कुल। मेरा आलोचक भी है, प्रशंसक भी है, मुझे सही सलाह भी देता है। तो उससे मैं बात कर रही थी कि भाई मेरे को हॉरर नॉवेल लिखना है, कोई आइडिया नहीं मिल रहा मुझे। एक महीना इसी उधेड़पुर में निकल गया कि अरे ये करे, हवेली ले आए, वो ले आए, ये ले आए, और थोड़ा सा मैं कॉन्टेम्प्रेरी भी बनाना चाह रही थी बिल्कुल। और एक दिन भाई ने मुझे ऐसी कहानी सुनाई कि देखो मैं सोच रहा था, एक आइडिया था मेरे पास कि एक बंदा है जो कहानी लिखता है और उसका किरदार जो आके सामने उससे बात करने लगता है उसकी कहानी की, कि तुमने ऐसे क्यों लिखा, तुमने ऐसे क्यों लिखा। ये शाम की बात होगी हुई होगी और ये बात मुझे ट्रिगर कर गई एकदम से, कोई बात जो क्या कहेंगे निशाने पे कोई लग जाना। मैंने कहा भाई अब तू शांत हो जा, क्या मैं तेरे दो लाइनर ले लूं? तो बोला अरे मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो, तो फिर मैं ये ले लेती हूँ क्योंकि अब मेरे दिमाग में कोई बात आने लगी है, मैं कुछ बुन सकती हूँ। तो बोला ठीक है बुन ले, अगर आ रही है बात तो ठीक है, एग्जैक्टली रखना चाहे तो भी। मैंने कहा नहीं, मैं इसे जो है फिर वो नहीं बनाऊंगी, मैं इसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं बनाऊंगी, उसमें घुसना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, मैं इसे फिर अपनी तरफ से अलग अंजाम दूंगी। मैंने इसमें लिखना शुरू किया पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में एक जो नायक है उसने पहला चैप्टर लिखा है और साथ ही साथ एक किरदार आके उससे सवाल करने लगता है कि तुम मेरे बारे में कैसे लिख रहे हो, तुम तो मुझे जानते ही नहीं। और मैं नहीं जानती थी तब तक कि काव्या क्या है, क्यों है और क्यों आके झांक रही। मुझे बस मजा आया काव्या को गढ़ने में, और जैसे ही मैंने पहला चैप्टर लिख के भाई को भेजा, उसने कहा वाह यार बड़ा मजा आ रहा, दूसरा भेज। और उन्हीं दौरान जो है ये वो एक्सीडेंट भी हुआ था कोईकोड में, आपको याद होगा है ना, सिंगल जी ट्रैक वाले इसमें जो। तो मैंने कहा अरे यार इसको भी जोड़ते हैं, कंटेम्प्रेरी और बन जाएगा बिल्कुल। तो एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली गई और मुझे खुद नहीं पता था कि काव्या की यात्रा और मयंक की यात्रा कैसी होगी, कहाँ होगी और ये लोग कहाँ जाके आपस में मिलेंगे जो खोज चल रही है। लेकिन हाँ, मैं रोज रात को ऑफिस का काम करने के बाद 8 बजे बैठती थी लैपटॉप के सामने और 12 बजे तक जो लिखती थी, और उसके बाद जो उठती थी पूरा सेटिस्फेक्शन होता था मुझे कि अच्छा ठीक है चलो अब मुझे अगले एपिसोड की कहानी मिल गई या अगले एपिसोड का सूत्र मिल गया। और 5वें एपिसोड में या उससे पहले जब मैं जाके रुकी और मुझे लगने लगा कि अब मैं कैसे कड़ियों को जोड़ूंगी, उसमें मुझे एक दिन लगा कि अब मैंने इतना फैला दिया है सबको। एक मैं बाहर का जो है एक साउथ अफ्रीकन कैरेक्टर ले आई हूँ, रॉजर ले आई हूँ जो स्वामी बन जाता है, वो थोड़ा अलग है। मारिया को ले आई हूँ है ना, बाकी उसकी जो क्रेजी जो दोस्त उसको ले आई हूँ वापस। तो अब जो है कहानी में मेरे को बैठ के समेटना होगा बिल्कुल। एक दिन सच कहूं तो रात का वक्त था, मैं कुछ खाना बना रही थी। खाना मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर है, मैं अच्छा भी बनाती हूँ और खाना बनाते बनाते बहुत कुछ सोचती भी हूँ। और मैं बनाते बनाते सोचने लगी अब किया क्या जाए, क्योंकि अब आगे के एपिसोड में अगर कहानी मेरे पास नहीं होगी तो मैं बढ़ा नहीं पाऊंगी क्योंकि ये एक थ्रिलर है। और उस वक्त मेरे पास एक इसी तरह से एक आइडिया आ गया। मैंने कहा लो जी अब हो गया। उस दिन मैंने कुछ लिखा नहीं, बस मुस्कुराते हुए टाइम पे सो गई। मैंने कहा अब ये काम मैं अगले दिन करूंगी, क्योंकि अब मेरे पास ये अंत आ गया है कि मेरे को अंत कहाँ से कैसे पहुंचना है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि करीब 6 से 8 हफ्तों में मैंने ये उपन्यास पूरा किया। इसमें 10 एपिसोड्स है और 3 से 4 दिन में मैं एक जो है एपिसोड लिख लेती थी, और उसके बाद कभी कभी एकाध का आराम भी करती थी, मजे लेती थी, सोचती थी क्या करना। तो पूरी ये जो यात्रा है वो इतनी रोमांचक मेरे लिए भी थी जितनी शायद जैसे आप कह रहे हैं कि आपको पढ़ते समय। जी, मैं आपसे यही पूछने वाला था कि जब हम इस उपन्यास को शुरू करते हैं तो हमारे जी पास सिर्फ एक मयंक होता है और उसकी जो गर्लफ्रेंड है जिससे वो शादी करने वाला है पूर्वा होती है। फिर उमा की एंट्री होती है, फिर उमा की क्रेजी फ्रेंड नोरा आ जाती है, और जब वो नोरा वायनाड पहुंचता है और शोभित की जब डेथ होती है, मैं हाँ यही आपसे समझना चाह रहा हूँ कि सिर्फ 6 से 8 हफ्तों में कम से कम 12-13 मुख्य किरदार मुझे इस उपन्यास में नजर आए। तो क्या ऐसी प्रेरणा रही, क्या ऐसा जुनून रहा जो आपने इतने कम समय में इसको पूरा कर दिया? देखिए मैं उपन्यास ऐसे ही लिखती हूँ, अगर जी एक झटके में कुछ चीज लिख पाऊं तो लिख पाऊं, अगर मैंने पॉज दे दिया तो फिर मैं उसे कभी वापस पूरा नहीं कर पाती। कई सारे ऐसे मेरे पास उपन्यास होंगे जो 5-6 एपिसोड के बाद वैसे ही पड़े हुए हैं, मतलब 20-25 हज़ार शब्द लिखने के बाद फिर मुझको कहीं से प्रेरणा नहीं मिली कि मैं पूरा करूं। मुझे लगा नहीं उसमें कोई नई बात नहीं हो रही, पर मैं जब लिखती हूँ
तो ऐसे ही धड़ल्ले से किरदार में घुस जाती हूँ, क्योंकि तो जिन 6 हफ्ते 8 हफ्ते में मैं शैडो लिख रही थी, पहले हमने इसका क्या कहना चाहिए, टाइटल किरदार रखा था, बाद में लगा कि किरदार बहुत कॉमन है तो हम शैडो में आ गए। तो मुझे लगा मैं अगर काव्या के अंदर नहीं घुसूंगी, मैं अगर ये नहीं जानूंगी कि माइंड को क्या चाहिए, उसकी पूरी कहानी क्या है, तो मैं शायद न्याय नहीं कर पाऊंगी। तो एक वक्त में मैं एक ही उपन्यास में काम कर पाती हूँ, और वो भी तब जब मुझे ऐसा लगे कि मैं जस्टिफाई कर रही हूँ उसके साथ। तो और मजा आता है मुझे इस एक सांस में लिखने में, वो मेरे लिए सबसे खूबसूरत वक्त होता है बिल्कुल। तो जी इसीलिए लिखती मैं ऐसी हूँ, लिखती मैं ऐसी हूँ, एक झटके में ही हाँ लिख। जी मैम, दो किरदार जो इस पूरे उपन्यास में प्रमुख हैं, एक तो हमारा जी मयंक है, वो बिल्कुल अनवरत उसकी यात्रा जारी है, वो हर फ्रेम में आपने उसको मयंक को रखा है, और एक एक इंटरवल हम इसको कह सकते हैं, रोजर सेबेस्टियन जो बाहर से आया है, वो फिर वो स्वामी राजा बन जाता है, और जैसा कि अंत में आपने बारे में बताया और हम कि कुछ नहीं बताएंगे इसके बारे में, इसका हाँ, रहस्य नहीं उन खोलेंगे। दोनों का जो एक संबंध होता है, तो मैं ये समझना चाह रहा था, क्योंकि मैं भी बचपन से इस प्रकार की फिल्में देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है जब आप उन दोनों की भावनाओं को प्रकट कर रही थी, जब आप शब्दों में उन भावनाओं को उकेर रही थी, तो वो अनुभव कैसा रहा आपका, क्योंकि वो बड़े चैलेंजिंग किरदार हैं। जी, देखिए तो क्या है, मुझे एक किरदार लाना था जो शोभित के क्या कहना चाहिए, जब शोभित की लाश को दफनाया जा रहा है, चूंकि वो क्रिश्चियन है, तो वहां पे एक किरदार को मैं लाती हूँ बिल्कुल। वो किरदार इसलिए भी आता है कि ये एक नियम है कि कहानी में जहां आपको लगे बोरियत हो रही है, तो एक नया आपको हाँ एक किरदार लाना पड़ता है बिल्कुल। उस किरदार को लाते समय मैं कभी ये नहीं सोच रही थी, उस वक्त ये तय नहीं कर पा रही थी कि इतना लंबा चलेगा ये, लेकिन वो किरदार गढ़ने के बाद फिर जब वो वहां जाता है और जब पोस्टर देखता है कि ये तो इस शहर में बहुत बड़ा, मैं देखता है कि राजा है ना, और मैं सेबेस्टियन जो है बहुत बड़ा यहाँ का एक तरह से प्रचारक है या जो भी कह लीजिए, और वहां पे चाहे टैक्सी ड्राइवर हो या ढाबे वाला हो, सब तारीफ करते हैं कि उसने मदद की हमारी बिल्कुल। तो उसको लेके जब मैं आई तो मेरे को लगा कि मैं फिर उसे एक जो हम जनरली देखते हैं बिल्कुल उस तरह से मैं गढ़ना नहीं चाह रही थी कि वो टिपिकल धार्मिक होगा, प्रवचन कर रहा होगा कहीं सफेद कपड़ों में और घंटियां और वो, और ये मैं ये नहीं चाहती थी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक अच्छा सा एक महसूस हुआ जब मैं अपने भाई को और मेरी एक बहन है उसे और अपने एक सहकर्मी, उनसे मैं लगातार पढ़वाती हूँ, तीन मित्रों से, और उसके बाद दो तीन और लोगों से पढ़वाती हूँ, हर उम्र के लोगों से, और उनकी राय लेती हूँ उपन्यास फाइनल करने से पहले। मतलब तो ये 6 लोग तो चलते ही है मेरे साथ। तो उनमें से जब मुझे ये कमेंट आया कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आश्रम में जब वो कहता है कि भाई मतलब बिरयानी खाओगे, तो कहता रहे आश्रम में बिरयानी, कहता हाँ जी भाई हम भी तो मतलब सामान्य है, हम भी तो बिरयानी खाते हैं, और नॉर्मल सा है बोल रहा है सब। तो उनको लगा कि बहुत अच्छा किरदार है और बहुत पॉजिटिव है, वरना वो सब सोच रहे थे कि ये नेगेटिव निकलेगा बंदा। जी कहने का नहीं, नेगेटिव आने के लिए अभी बहुत लोग हैं, तो ये जो है थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहेगा और इसको एक अलग रंग में हम दिखा रहे हैं। तो रोजर को जो गढ़ना है, रोजर की पूरी जो जर्नी है, रोजर का जो मयंक से रिश्ता है, वो मुझे खुद अच्छा लगा। और लास्ट चैप्टर में अभी हम बिना रहस्य खुले बताते हैं कि रोजर के पूरे जो भी वो कर रहा है या जो भी उसकी फीलिंग है, मैं खुद शायद थोड़ी भावुक हो गई थी लिखते समय, मुझे अच्छा लगा था, मुझे अच्छा लगा था, मुझे लगा सही का एक आदमी बैठा हुआ जी, उसकी फीलिंग सब है। नहीं, इस उपन्यास की उसी तरह बागिया एक थी, उसी तरह बागिया जी हाँ, और इस उपन्यास की एक खासियत और है, जब मैं इसको पढ़ रहा था, हाँ आपने चूंकि आपने कहा कि दक्षिण भारत की हैं, जी तो आपने लोकेशंस को ना बहुत खूबसूरती से दिखाया है, ऐसा जी नहीं है कि आप सिर्फ किरदारों पे रहीं, आपने जब वो ड्राइव कर रहा है, या जब वो होटल्स में जा रहा है, कॉफी पी रहा है, जब वो ढूंढते हैं अपने लोगों को, तो जिस तरीके से मैं इमेजिन कर रहा था कि शायद अगर ये मैं सामने देख रहा होता तो कितने खूबसूरत दृश्य होते। अच्छा, यहीं से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि हमारा जो मयंक किरदार है, उसके जीवन में कई लड़कियां हैं, जैसे उमा है, फिर नोरा आ जाती है, फिर वो मारिया के प्रति भी आकर्षित होने लगता है, लेकिन वो अपने आप को रोकता है कि दैट्स नॉट द राइट टाइम। तो ये आप किसी से प्रभावित हुई, आपने आसपास किसी राइटर को देखा ऐसा कि राइटर ऐसा भी हो सकता है, या आपने इस किरदार को वाकई में गढ़ा? ये मेरी मेरी कल्पना है, शुद्ध रूप से मेरी कल्पना है, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी आदमी अगर उसकी गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो कमिटेड है, तो वो हर लड़की के साथ झुके ये जरूरी नहीं है।
पर हाँ, कहीं ना कहीं से वो मारिया के प्रति थोड़ा सा आसक्त होता है, पर उसकी वजह तो सबको बाद में पता ही चल जाएगी कि क्यों होता है वो, राइट? जब आप पूरा उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों हो रहा है। लेकिन मैं फिर ये चाहती थी कि कहीं ना कहीं से मैं ये भी बताऊं कि हर लेखक जो है वो लूज कैरेक्टर नहीं होता, फिर उसका भी अपना जो है एक व्यक्तित्व होता है, उसकी भी पसंद नापसंदगी होती है। बिल्कुल, इतने साल तक उसकी शादी नहीं की, अब जाके उसकी लाइफ में एक गर्लफ्रेंड आई है तो वो कमिटेड है उसके प्रति। बिल्कुल राइट। नहीं, और ये जो आपने ये हमने देखा है कि जब वो उमा के साथ होता है तब भी वो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखता है। वो लगातार पूर्वा के हालचाल पूछता है, पूर्वा से बात करता है। वो पूर्वा से झूठ नहीं कहता, बस वो सिर्फ इतना कहता है कि मैं ऊटी में नहीं हूँ, वायनाड में हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पूर्वा को उसके कारण टेंशन परेशान हो, हो, पूरा परेशान हो, टेंशन और उसे हो। पूरा कहाँ परेशान, कितनी परेशान। अच्छा, हाँ एक और बात, ये जो वायनाड का आपने पूरा जिक्र किया और मेरे दक्षिण भारतीय होने के बारे में जो बताया, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, मैं चूंकि भिलाई में रही, मुंबई में बहुत लंबे समय तक रही, फिर दिल्ली आई, तो मेरी हिंदी अच्छी है। मैं हिंदी जो बोलती हूँ वो अच्छी, क्या कहना चाहिए, यूथ फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली हिंदी बोलती हूँ। हालांकि ये एक और कहानी है इससे जुड़ी, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन मेरे पास देसी भाषाओं का खजाना नहीं है जो यहाँ के लेखकों के पास है। जैसे कोई भोजपुरी, मैं अपनी बात रख लेता है, कोई राजस्थान का है, कोई मालवा की बात कर लेता है। बिल्कुल, तो मुझे कहानियों में ये जो देसी पन है बहुत रुचता है ये। तो मैंने ये सोचा कि भाई, जब मेरी ताकत दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं, तो क्यों ना मैं उसका प्रयोग करूं। तो मैं कोशिश करती हूँ अपनी कहानी में एक आध कुछ दक्षिण भारतीय किरदार ले आऊं, और वहां का परिवेश जो मेरा देखा भाला समझा भोगा है। बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे इसीलिए ये पूरा का पूरा एक तरह से केरल का परिवेश है, मलयालम के संवाद है, जो ऑफकोर्स हिंदी में बाद में मैंने ट्रांसलेट करके दिए हुए। बिल्कुल, ताकि वो फिर थोड़ा सा वो क्या कहना चाहिए, एक देसीपन भी आए, लोगों को कुछ नया भी लगे, और ये भी लगे कि हाँ, वो किरदारों से जुड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरा एडवांटेज है दक्षिण भारतीय होने की वजह से। वैसे मैम, कई बार हमें इस उपन्यास में ऐसा महसूस हुआ कि मयंक बिल्कुल एकदम रोमांटिक हो रहा है। आपने इस तरीके से पोर्ट्रे किया चीज़ों को कि खिड़की के जी पास खड़ी है, उसके बाल हवा में लहरा रहे हैं और अचानक से फिर आप ब्रेक कर देती हैं, ये मज़ा नहीं आया। ये आपने एक कम से कम आपको उपन्यास में आपने उस लेखक को इतना, मैं देख रहा हूं उपन्यास के संयमित पहले ही रखा। वो जरूर भाग रहा है, बिल्कुल वो भाग रहा है, अंत तक वो भाग रहा जरूर। है जी। हाँ, देखिए, बहुत सारे मौके थे जब वो मारिया के बहुत क्लोज होता है, जब दोनों साथ में बैठे होते हैं, सब कुछ। देखिए, जरूरत हो तो कर सकते हैं, बट मुझे लगा बिना जरूरी, मतलब ये रोमांटिक दृश्य बहुत जरूरी भी नहीं थे। कुछ कुछ पाठकों की समझ और पाठकों की क्या चाहत पे भी छोड़ देना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हाँ, लेखक ने लिखा नहीं, बट ये जरूर हुआ होगा। नहीं, कुछ कुछ चीजें हमारे आसपास की भी इसमें नजर आती है। जैसे उमा का किरदार है, वो पास में रहती है, वो उसकी तरफ झांकती रहती है, वो उसे करीब जाना चाहती है, उसकी एक सहेली है, फिर एक काव्या है। तो थोड़ा सा ऐसा भी ऐसा नहीं है कि आम आदमी को बिल्कुल ये लगेगा कि एक फिल्म की तरह है। कुछ किरदार हमें हमारे करीब जो होते हैं वो नजर आते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये बहुत अच्छा उपन्यास आपने लिखा है और जैसा कि आपने बताया कि मैं भी नहीं समझ पाया कि इसका क्लाइमेक्स क्या होगा, तो किसी फिल्म निर्माता से आपकी बात चल रही है कि इसको वेब सीरीज में लाने के लिए? देखिए, वेब सीरीज की बहुत दिनों से बात हो रही थी, पर अब शैडो के बारे में खबर है कि बहुत जल्दी एक फिल्म के रूप में आप लोग देख पाएंगे इसे। बिल्कुल, बहुत जल्दी क्योंकि खबर में जो है बताऊंगी आप लोगों को। और ये एक, बहुत दिनों से बहुत लोगों ने दिलचस्पी दिखाई। शुरू में जो भूषण पटेल थे वो वेब सीरीज बनाना चाह रहे थे, और भी कई लोग थे। बिल्कुल, पर अंततः जो है अब मेटेरियलाइज हो रहा है कि एक फिल्म बनेगी है। बिल्कुल, इस पे वो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जब हम हमारे आमतौर पे क्या होता है कि मैम, जब थ्रिल और सस्पेंस वाली मूवीज बनती है तो चोरी का आरोप लगाया जाता है कि आपने वहां से जो है आइडिया चोरी किया। लेकिन वाकई में जब आप इसका क्लाइमेक्स पढ़ते हैं तो जिस तरीके से आपने क्लाइमेक्स को लिखा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। कोई, मुझे नहीं लगता कि फिल्म देखते समय भी कोई इस प्रकार की कल्पना कर पाएगा कि मयंक का जो इतनी, उसके अंदर जो इतनी एक एनर्जी होती है मारिया के रिगार्डिंग, वो क्यों होती है। अच्छा, क्यों होती आखिर है? में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि शेडो तो वाकई में बहुत अच्छा उपन्यास है और काफी अच्छा इसको रेस्पॉन्स मिला है, तो
तो पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप कैसा अनुभव कर रही हैं इस उपन्यास की सफलता के बाद, और भविष्य में अगर कोई उपन्यास आने वाला है तो उसकी भी जानकारी दें। जरूर जरूर जरूर। देखिए उससे पहले छोटी सी बात कहती हूँ कि ये उपन्यास पूरा का पूरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी पे है, और आप माने या ना माने पर उससे उपन्यास का रोमांच खत्म कम नहीं होगा। और मैं बहुत यकीन करती हूँ, मेरे दोस्त जा चुके हैं, मैं खुद जा चुकी हूँ, इसीलिए मैं इस बारे में बहुत विश्वसनीय ढंग से लिख पाई, क्योंकि मैं पूरे उस अनुभव से खुद गुजर चुकी हूँ। और कई सारी घटनाएं जो इसमें उल्लेखित हैं वो सच में हमारे दोस्तों द्वारा बताई गई है। बिल्कुल, तो शैडो से आगे की बात करते हैं। हाँ, मैं इसकी सफलता से बहुत ज्यादा रोमांचित हूँ। उपन्यास लिख के जो मजा आया मुझे, हमेशा यात्रा में ना मकाम में पहुंचने से ज्यादा, मंजिल पर पहुंचने से ज्यादा, ये जो जो यात्रा बीच में का रास्ते में जो, हाँ, जो बीच का जो सफर होता है वो मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ। तो अंत में हाँ, ये तो है ही कि ये कल को चलो चलिए कुछ फिल्म बन जाएगी, जो भी है वो इसकी मंजिल है, पर ये जो यात्रा रही है ना, लिखना, सबके साथ बांटना, और पाठकों की प्रतिक्रिया आना, और पाठक जो चौके हुए से पूछते हो, वो मैं बता नहीं सकती। मेरे लिए इतना बढ़िया अनुभव रहा है कि सच में मजा आ जाता है। मुझे लगता है कि माइंक और काव्या जो है वो सफल हो गए, बिल्कुल उनको मंजिल मिल गई। नहीं चलिए अब बिल्कुल। बात करते हैं आने वाले उपन्यासों के बारे में। तो अभी हाल फिलहाल मेरा एक उपन्यास आया है, वो भी थ्रिलर है, मेरी मम्मी की लव स्टोरी। वो एक नॉवेला है, बहुत तेजी से, क्या कहना चाहिए, बहुत तेज नॉवेला है। वो कहानी है एक 14 साल की लड़की की, जिसका पूरा परिवार गैंगस्टर है, उसकी माँ जो है इस वक्त तिहाड़ जेल में है। तो वो 4 सालों का सफर, जो वो 14 से 18 की होती है, तो क्या महसूस करती है वो लड़की कि माँ तिहाड़ में है, गैंगस्टर है, माँ की लव स्टोरी थी, माँ ने गैंगस्टर से प्यार किया था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरा रोलर कोस्टर राइडर है, राइड है एक टीनेजर लड़की की नजर से। तो ये मेरी किताब आ चुकी है, ये भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नोटन प्रेस, हर जगह अवेलेबल है। अभी पिछले हफ्ते रिलीज हुई है। और उसके बाद जो है अगले महीने मार्च के बाद मेरा एक उपन्यास आ रहा है, मेमराइजी, ये भी हिंदी युगम से आ रहा है। और मैंने आपको पहले बताया मैं भिलाई की हूँ, पली बड़ी, तो एक तरह से मैं भिलाई को वो पूरा उपन्यास समर्पित कर रही हूँ। छोटे शहर में जो है जिंदगी आज भी बहुत अलग होती है, वहाँ बहुत प्यारी प्यारी आंटियां और भाभियां होती हैं जो बहुत इनोसेंट, बहुत प्यार से गपियाती रहती हैं। इसका जोड़ा वहां बनाती है, उसकी जोड़ी वहां बनाती है। तो उस माहौल में जब हमारा नायक वहां जाता है भिलाई स्टील प्लांट में काम करने, और ऐसी भाभियों से उसका वाबस्ता होता है, मुलाकात होती है, तो उसकी जिंदगी में क्या होता है, ये एक बहुत ही हल्का फुल्का, मजेदार, मनोरंजक, और छोटे शहर के, क्या कहने चाहिए, दिलचस्प किरदारों से भरा उपन्यास है मेमराइजी। और जी इसका मतलब मैं आपको बताऊंगी जब अगली बार बिल्कुल, आप हम मेरा चर्चा इंटरव्यू करेंगे, करेंगे, मेमराइजी के साथ करेंगे चर्चा, बिल्कुल बिल्कुल आप पढ़ बिल्कुल लीजिएगा, मैम, उसके बाद करेंगे, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल मैम, हम उसका भी इंटरव्यू करेंगे, और जो आपने बताया कि जो टीनेजर बच्ची की जो कहानी है हम उसको भी पढ़ेंगे, बिल्कुल और आज हमने आपके इस उपन्यास शैडो पर चर्चा की है, जी, शैडो तो पे हमने इसकी चर्चा की, और शैडो जो है हिंद युगम से प्रकाशित हुआ है, इसकी कीमत जी है 199 रुपये, और ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हर जगह अवेलेबल है। और अगर पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे पढ़ के, अगर आप अपने कमेंट करना चाहे आपको क्या सही लगा क्या नहीं लगा, और ये भी कि अंत आप बूझ पाए कि नहीं, ये भी बता दें तो बहुत ही मजा आ जाए। जी बिल्कुल शुक्रिया। मैम, आपने जो है हमें इस बातचीत के लिए समय दिया, उसके लिए मैं एक बार फिर मेरी और मेरी पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू आनंद जी, धन्यवाद। थैंक यू। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, आप हमेशा हीरो ही रहेंगे, और निश्चित मेरी अगली किसी कहानी के नायक आनंद हो जाएगा। अभी हम थैंक बताते यू। हैं बात मैंने किस लिए कही है। जी 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 चलिए, थैंक यू सो थैंक मच, थैंक यू। यू।